अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज़ फ्राइडे 3 जुलाई 2020, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट आरवे, पेज 138-139, लेसन 23, चैप्टर नेम इज़ अ ब्रेव डॉटर पार्ट 1। टुडे आवर लेसन इज़ अबाउट ट्रांसलेशन लाइन्स। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ ग्रिजल ह्यूम। इस चैप्टर में हमने अब तक ये पढ़ा कि सर पैट्रिक ह्यूम को बादशाह के आदमियों से छुपना पड़ा जो उसे कैदी बनाना चाहते थे। उसने एक गिरजाघर के तहखाने में पनाह ली थी। उसकी बेटी ग्रिजल खामोशी से अपने बाप के लिए खाना लेकर जाती थी। सिर्फ ग्रिजल और उसकी माँ लेडी ह्यूम जानती थी कि सर पैट्रिक कहाँ छुपा हुआ है। ग्रिजल के छोटे बहन भाइयों को और नौकरों को नहीं बताया गया था कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। बादशाह के आदमी इस राज को ना जान लें, इसलिए ये बात पोशीदा रखी गई। मज़ीद हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा कि ग्रिजल रात के खाने में से कुछ खाने छुपा लेती थी ताकि वो अपने बाप के लिए ले जा सके। वज़ीर का घर गिरजे के करीब था। वज़ीर ने बहुत सारे कुत्ते रखे हुए थे। ग्रिजल जब तय खाने की तरफ गई तो कुत्ते उसके ऊपर भौंकते। एक दिन ग्रिजल की माँ वज़ीर के हाथ गई और उसने उससे कंप्लेन की कि आपके कुत्ते पागल हैं जनाब। इस पर मिनिस्टर थोड़ा खफा हुआ और उसने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं। उस पर लेडी ह्यूम ने जवाब दिया, ओनली मैड डॉग्स वुड डू दैट। इसके बाद मिनिस्टर थोड़ा खौफजदा हो गया और उसने ये कहा कि वो उसी दिन अपने कुत्तों को यहाँ से भेज देगा। उसके बाद ग्रिजल बासानी अपने फादर से मिल सकती थी। ओके, आज हमने ट्रांसलेशन लाइंस करनी है पेज 138 और 139 की। फर्स्ट लाइन इज़ शी फेल्ट श्योर शी वुड बी डिस्कवर्ड। शी फेल्ट, उसने महसूस किया, श्योर यकीनन, शी वुड बी डिस्कवर्ड, वो दरियाफ्त कर ली जाएगी। उसने महसूस किया वो यकीनन दरियाफ्त कर ली जाएगी। लाइन नंबर 2, द नेक्स्ट डे ग्रिजल्स मदर विजिटेड द मिनिस्टर। अगले दिन ग्रिजल की माँ वज़ीर के यहाँ गई। लाइन नंबर 3, ओनली मैड डॉग्स वुड डू दैट। सिर्फ पागल कुत्ते ही ऐसा कर सकते हैं। लाइन नंबर 4, पुअर मिनिस्टर बिकेम वेरी स्केयर्ड। स्केयर्ड मीन खौफजदा। वजीर बेचारे ने बहुत खौफजदा होकर जान छुड़ाई। लाइन नंबर 5, सो द डॉग्स वर सेंट अवे